हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है, हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी की जो वन दरोगा की मुख्य परीक्षा है, उसके जो सिलेबस को टॉपिक बाय टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो उसके मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं। तो आप प्लीज उनको पढ़कर अपने रिवीजन तैयार रखिए, क्योंकि देखिए एग्जाम अब आपका बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा मैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है, जिसमें 8 प्रैक्टिस सेट है, उसको भी कवर करा रहा हूँ, जिसमें हर प्रैक्टिस सेट में 100 प्रश्न है। तो उसमें आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मुझे वो काफी अच्छा लगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक और शेयर उनको जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप रेगुलर क्विज के लिए जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसमें मैं घटना चक्र के प्रीवियस जो 22 साल के प्रश्न एनवायरमेंट से संबंधित है, उनको क्विज फॉर्मेट में वहां पर डाल रहा हूँ, जो आपकी तैयारी के लिए बहुत अच्छा साबित होंगे। आज हम इस बुक का प्रैक्टिस सेट 4 डिस्कस करेंगे। 3 मैं इससे पहले डाल चुका हूं, तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं, उस 3 में टोटल 300 प्रश्न हैं, जो आपकी तैयारी को काफी अच्छा करेंगे, ठीक है। तो आज हम चौथा सेट डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी प्रभावी हुआ। ये बेसिकली 18 अक्टूबर 2010 से प्रभावी हुआ है, यानी अक्टूबर 2010 से इसको एनजीटी अधिनियम 2010 के थ्रू बनाया गया है। और मैं आपको बता चुका हूं, देखिए पिछले हमने एक जो सेट था उसमें डिस्कस किया था, ये सिविल प्रोसीजर कोड 1908 से अपनी शक्ति नहीं लेता है, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर काम करता है या प्राकृतिक न्याय के आधार पर काम करता है। और ये जो अपनी प्रेरणा लेता है वो हमारे आर्टिकल 21 से लेता है, जो कि है जीवन का अधिकार हमारे संविधान का, ठीक है। क्योंकि जो हमारे जीवन का अधिकार है, उसी में हम मानते हैं कि हमें जो एक साफ और स्वच्छ वातावरण या पर्यावरण हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल जो है वो अक्टूबर 2010 से प्रभावी होता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में अधिनियमित किया गया था, जिसमें अंतिम बार संशोधन कब किया गया, देखिए बहुत अच्छा इन्होंने प्रश्न बनाया। वैसे ज्यादातर सीधे सीधे प्रश्न ये बन जाता है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, लेकिन इन्होंने पूछा है इसमें जो संशोधन हुए हैं उसमें भी जो लास्ट संशोधन हुआ है वो कब हुआ था। तो इसमें अंतिम जो संशोधन किया गया है आपका, वो उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि जो अंतिम बार इसमें संशोधन हुआ है वो 1991 में हुआ है, ठीक है। 92 में कंफ्यूज मत करिएगा, 92 क्यों फेमस है, आपका रियो सम्मेलन, जो रियो अर्थ समिट हुई थी वो 1992 में हुई थी, ठीक है। तो लास्ट जो इसमें चेंज हुआ है वो 1991 में किया गया था, और जो 1992 से प्रभावी हुए थे, लेकिन उन्होंने प्रभावी नहीं पूछा है, सिर्फ ये पूछा है कि कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ब्लू कार्बन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्लू कार्बन बेसिकली जो आपके समुद्र वगैरह होते हैं, महासागर होते हैं, उसमें जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित रहती है, उसको हम ब्लू कार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन ए, महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रगहित कार्बन, यानी जो आपके समुद्र वगैरह होते हैं उसमें जो कार्बन आपकी अवशोषित रहती है। और एक चीज आप और याद रखिएगा, हम सभी को पता है जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से जो सी सरफेस टेम्परेचर है, यानी समुद्रों के जो ऊपरी सतह का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। इसकी वजह से देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, उनकी जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने की क्षमता है वो कम होने लगती है, ठीक है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड आपकी वातावरण में ज्यादा रहेगी, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है या हरित गृह प्रभाव, वो आपका वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 का क्या होगा, ए, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व हमारा उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन बी। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। और एक बात और बता दूं, ये जो मैंने आपको बताया था यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें भी ये शामिल है, उसमें टोटल भारत के 12 बायोस्फीयर रिजर्व है, टोटल भारत में 18 है, और 12 जो है वो यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है, और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उनमें से एक है, और इसको 2004 में इस नेटवर्क में शामिल किया गया है, ठीक है। उड़ीसा में भी एक बहुत फेमस है जो कि वर्ल्ड नेटवर्क में है, वो क्या है, सिमलीपाल, ठीक है, ये भी इन 12 में शामिल है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, ये मैंने अपने क्विज में भी डाला था, अर्नीज नेज ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया है, अर्नीज नेज। और बेसिकली देखिए डीप इकोलॉजी होता क्या है, देखिए डीप इकोलॉजी क्या होता है, जो पर्यावरण में आपके समस्याएं चल रही हैं उसके संरक्षण के लिए ये बहुत क्रांतिकारी जो स्टेप होते हैं उस पर बल देता है, यानी रेडिकल स्टेप, बहुत क्रांतिकारी स्टेप्स पर ये बल देता है कि आप बहुत क्रांतिकारी इसके लिए एफर्ट्स कीजिए, तब जाकर आपका कहीं पर्यावरण संरक्षित होगा। तो इसी के लिए शब्द यूज किया जाता है डीप इकोलॉजी। आगे देखते हैं, छठा, पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र, देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है, आपका ओशियानिक या सामुद्रिक। अजैविक अवयव जीवाणु, बिल्कुल गलत है, जीवाणु जो है ये बायोटिक या आपका जैविक अवयव है।
हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हरे पौधे जो बेसिकली होता है इकोसिस्टम में किसका रोल निभाते हैं, उत्पादक का, तो ये बिल्कुल ठीक है। वर्षा ग्लोबल वार्मिंग, इसका सीधे सीधे ऐसे कोई इसमें संबंध नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, अगर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होता तो आपका वो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित होता। ग्लोबल वार्मिंग का एक इम्पैक्ट बारिश के ऊपर पड़ता है, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर एक तरह से जो पूछ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो अगर यहाँ पर CO2 होता तो हमारा ये सही होता। यहाँ पर आपका क्या सही है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संघटक नहीं है, यानी बायोटिक कंपोनेंट कौन सा इसमें नहीं है, तो जो एयर है, ठीक है, वायु मैंने आपको बताया था, सनलाइट, ठीक है, इसके अलावा रेनफॉल, ये सब जो होते हैं ये अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, सॉइल, ये इसमें नहीं आते, बायोटिक में नहीं आते या जीवीय संघटक में नहीं आते, तो इसका होगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं आठवां, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव मनाया जाता है जुलाई के पहले हफ्ते में, तो 1 जुलाई से 7 जुलाई, और कब पहली बार मनाया गया था ये, 1950 में। किसने इसको स्टार्ट किया था, के एम मुंशी जी द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है, ये भी सारे फैक्ट्स आप याद रख लीजिए, अभी इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं। और अंतरराष्ट्रीय अगर हम बात करें, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस हमारा मनाया जाता है। अभी 3 मार्च को कौन सा दिवस निकला है, 3 मार्च को हमारा विश्व वन्य जीव दिवस निकला है, ठीक है, कब, 3 मार्च को। इसका मैंने फोटो अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया था, आप इसको वहां से जाकर पूरा पढ़ सकते हैं। नवा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी मानव द्वारा रूपांतरित है, तो जो कृषि भूमि है आपका सभी को पता है, जैसे धान के खेत है वो एक जो है कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल या कृत्रिम आपका इकोसिस्टमिक होता है, तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला देखते हैं दसवां, भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया है, तो इसका निहितार्थ क्या होता है। देखिए मैंने आपको बताया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो शेड्यूल है उसमें शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 का पार्ट 2, इन दोनों को सबसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है, तो अगर आप कछुए को उसमें डालते हो, ठीक है, तो उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जाएगा, जो टाइगर को, शेर को, ठीक है, या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, इन सबको दिया जाता है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन ए है, इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को, क्योंकि एक में और शेड्यूल 2 के पार्ट 2 में या अनुसूची 2 के भाग 2 में सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है, और जो टाइगर वगैरह है, जो हमारे एशियाई शेर हैं, उन सबको अनुसूची 1 में रखा गया है, तो अगर आप कछुए को उसमें डालते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि उस कछुए की प्रजाति को बिल्कुल शेर जैसा और बाघ जैसा संरक्षण प्राप्त होगा, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल ठीक है। 11वां देखते हैं, 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची, ठीक है, इसको बोलते हैं नेशनल इन्वेंट्री ऑफ फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट जो रिसोर्स इंस्टीट्यूट है आपका वही इसको डिजाइन करता है, इसके अंतर्गत वन सूची की समीक्षा का समय घटाकर कितना कर दिया गया था। देखिए पहले ये 20 वर्ष था, ठीक है, अब इसको घटाकर 2016 में 5 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है, तो हर 5 वर्ष में अब ये रिव्यू किया जाता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट देखिए प्रश्न है, ये प्रश्न आया हुआ भी है इसलिए आपके लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सभी को पता है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, जो कि 1936 में स्थापित किया गया था, भारत के उत्तराखंड राज्य में ये स्थित है, और कॉर्बेट जिम कॉर्बेट जी के नाम पर है, जो कि एक बहुत फेमस शिकारी रहे हैं। 13वां अनुसूची, सॉरी सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, इंद्रावती, मोल्लेम, कलेसर और बेतवा, तो मोल्लेम मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मोल्लेम जो है वो गोवा में है, एक बात और याद रखिएगा, एक दिन मैंने क्विज डाला था मौलिंग, ठीक है, मौलिंग और मोल्लम में अंतर समझिएगा, मौलिंग जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में, मौलम गोवा में स्थित है, इंद्रावती आपका बहुत फेमस है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, कलेसर ये आपका हरियाणा में स्थित है, बेतवा ये आपका झारखंड में स्थित है, ठीक है, बेतवा आपका झारखंड, इसको देखिए बेतला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बेतला, तो कौन कौन सा हो गया, बी का हमारा तीसरा हो गया इंद्रावती, छत्तीसगढ़, ए का हो गया चौथा, बी का तीसरा, ए का चौथा, एक ही विकल्प में ऑप्शन ए, ठीक है, तो मौलम गोवा में है और मौलिंग जो है मौलिंग वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान विश्व के निम्नलिखित जैव भौगोलिक क्षेत्रों में से किस एक से संबंधित है, तो कान्हा जो नेशनल पार्क है वो हमें सबको पता है मध्य प्रदेश में पड़ता है, और अगर हम देखें मध्य प्रदेश हमारा भारत के बिल्कुल सेंटर में पड़ता है, जहां से एक तरह से जो हमारी कर्क रेखा है वो भी भारत से होकर गुजरती है, तो इसका अगर हम बात करें तो यहां पर जो बेसिकली हम माने ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, ठीक है, यानी आपका उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र पर्णपाती वन है, अगर हम देखें अल्पाद्र वन
ये ऑप्शन ए, तो यही इसका सही उत्तर होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहां पर अवस्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ये जो आपका है ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। इसकी स्थापना 1983 में की गई है, ये भी आप याद रखिएगा। एडवर्ड झील के किनारे स्थित महारानी एलिजाबेथ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एडवर्ड झील के किनारे जो महारानी एलिजाबेथ राष्ट्रीय उद्यान है, युगांडा में आपका स्थित है, युगांडा ऑप्शन सी में, ठीक है। इसका देखिए पहले नाम क्या था, बेसिकली इसका पहले नाम रखा गया था आपका रुवेनज़ोरी नेशनल पार्क, ठीक है, बाद में इसका नाम बदलकर महारानी एलिजाबेथ राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। महुआन डार अभ्यारण्य झारखंड के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली जेपीएससी में पूछा गया होगा, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया होगा। इसका उत्तर क्या है 17वें का, डी, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में ये झारखंड के स्थित है। आप सीधे बस आइए, जरूर पढ़िएगा, अगर आपसे ये पूछ ले कि मंडुआ डार आपका या महुआ डार अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है, तो भारत के झारखंड में ये स्थित है। भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के नेतृत्व का समूह, सॉरी, हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है, बिल्कुल ठीक है। हाथियों की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है, ठीक है, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। सामान्यतः हाथी 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, देखिए ये गलत है, लगभग ये 50 साल तक बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो तीसरा तो है नहीं, ये और ये तो चले गए, और ए हमारा सही है, तो एक ही केवल बचता है, एक और दो, तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक संख्या केरल में नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। हाथियों की जनगणना हमेशा 5 साल में की जाती है, 2017 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक में भारत के सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं, ठीक है, कर्नाटक में लगभग 29,000 टोटल हाथी भारत में है, 29,000, ठीक है, सबसे ज्यादा कर्नाटक में आपको मिलेंगे, तो एक और दो इसका सही है। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई, ये मैंने कम से कम 2 से 3 बार आपको बता दिया है, क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में आया था। क्योटो कहां पर स्थित है, जापान में स्थित है। एक कार्बन क्रेडिट किसके बराबर होता है, 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, यानी अगर कोई देश 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करता है अपने यहाँ, तो उसको एक कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। बाकी देख लेते हैं, पृथ्वी शिखर वार्ता कब हुई थी, 1992 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया है, 1987 में, और ये किससे संबंधित है, ओजोन डिप्लीशन से, ओजोन लेयर के जो हानि हो रही थी उससे संबंधित है, 1987 में ये आया था। बेसल समागम या कन्वेंशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके प्रतिकूल प्रभावों के मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है, तो बेसिकली ट्रांसबाउंड्री जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है, उससे यह संबंधित होता है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए खतरनाक अपशिष्ट, तो जो भी आपके खतरनाक अपशिष्ट है, अगर उसका ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट हो रहा है, यानी किसी एक देश से दूसरे देश में वो जा रहे हैं, इसको रोकने के लिए ज्यादा ये काम करता है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। पीओपी किससे संबंधित है, ये आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा, 3 से 4 कन्वेंशन है। इसका फोटो हम अपनी टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुके हैं, जिसमें सारी कन्वेंशन वगैरह लगी हुई है, आप प्लीज वहां से फोटो डाउनलोड कर रिविजन कर सकते हैं। पारा आपको पता है, पारा किससे संबंधित है, मीना माता, ठीक है, तो ये सब तीनों मैंने आपको बता दिया, खतरनाक अपशिष्ट, बेसल कन्वेंशन, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉलिटेंट पीओपी, स्टॉकहोम कन्वेंशन, पारे से कौन सी संबंधित है, मीना माता कन्वेंशन, जापान में ये हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं 21वां, देखते हैं जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना यानी नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, तो ये 2008 में आया है। इसमें देखिए एक ट्रिक ये है, 2008 में ये आया है, और अगर मैं बात करूं इसमें टोटल देखिए एक लिस्ट है पूरी मिशन की, ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया था, और इसकी ट्रिक ये है, देखिए 2008 में ये आया है और टोटल 8 ही मिशन इसमें शामिल हैं, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही याद किया है, 2008 में आया है और टोटल 8 ही इसमें मिशन है, तो एक ट्रिक छोटी सी आपके लिए है, ठीक है। मैं नाम बता देता हूं कौन कौन से इसमें मिशन है, राष्ट्रीय सौर मिशन पहला, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन दूसरा, सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन तीसरा, चौथा राष्ट्रीय जल मिशन, इसके बाद हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने हेतु मिशन, ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, और जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, तो ये टोटल 8 मिशन इसमें शामिल है। अब देखते हैं भीमकाय पांडा या इंग्लिश में इसको बोला जाता है जायंट पांडा निम्नलिखित प्रसिद्ध संगठनों में से किसका शुभंकर है यानी मैस्कॉट है, तो जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर है, ठीक है, उससे ये संबंधित है। इसको मैंने अभी आपको
2 से 3 दिन पहले इस पर पूरा क्वेश्चन एक बनाकर डाला है और एक फोटो शेयर किया है, आप उसको पढ़ लीजिए, पूरा WWF आपको वहां से समझ में आ जाएगा। इसकी स्थापना फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, 1961 में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है जायंट पांडा। अगर आप इसका लोगो देखेंगे तो आपको वहां पर ये दिखाई देगा। मुख्यालय देखिए इसका वही है जो कि IUCN का है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, ठीक है। 23वां देखते हैं, भारत में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, ये भी मैंने फोटो डाल दिया है पूरी संस्थानों की लिस्ट में, तो ये जोरहाट में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन बी जोरहाट, ठीक है, जो कि कहां पर है आपका असम में, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में देखिए बारिश काफी होती है, तो ये असम में बेसिकली स्थित है। और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसकी जो स्थापना है वो 1988 में की गई है, और ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करता है, ये बेसिकली जो भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद है, ठीक है, उसके अंदर ये काम करता है। वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक कहां पर स्थित है, तो वृक्षाच्छादित क्षेत्र जो सर्वाधिक है वो आपके उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, सॉरी माफ कीजिएगा, पूर्वी दक्कन में स्थित है, ठीक है, ईस्टर्न दक्कन में ये स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सदाबहार फल वृक्ष है, तो बेसिकली लोकार्ट जो शब्द है लोकार्ट, ठीक है, ये सदाबहार वृक्ष है, ये बेसिकली आपका मेडिसिन के रूप में भी बहुत फेमस एक फल है, मेडिसिन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है एरियोबोट्रिया, ठीक है, एरियोबोट्रिया जैपोनिका, एरियोबोट्रिया जैपोनिका, ठीक है, और ये सदाबहार वृक्ष है। आगे, निम्नलिखित उष्ण कटिबंधीय वन समूहों को भारत में आवृत क्षेत्र के आधार पर बृहत्तम आवृत क्षेत्र से प्रारंभ कर सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी जो सबसे ज्यादा भाग में फैला हुआ है उससे सबसे कम भाग की तरफ। तो सबसे अगर हम ज्यादा की बात करें तो आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है, उसके बाद शुष्क पर्णपाती वन, और तीसरा हमारा आर्द्र सदापर्णी वन और अर्ध सदापर्णी वन, तो 1, 2, 3, 4 इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, ठीक है, देखिए वही आ गई फिर से, एक तरफ लकड़ियां हैं और दूसरी तरफ किस प्रकार की वनस्पति है। आबनूस की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये उष्ण कटिबंधीय जो एवरग्रीन है उससे संबंधित है, ऑप्शन 4। शीशम जो लकड़ी है, देखिए शीशम की लकड़ी बहुत फेमस है, ये आर्द्र पर्णपाती, ऑप्शन ए। अखरोट जो हमारा संबंधित है वो हिमालयी आर्द्र से संबंधित है, और जो भूर्ज है ये बेसिकली अल्पाइन वेजिटेशन है, जो कि आपको नंदा देवी या वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है वहां पर देखने के लिए मिलेगा भारत में, तो मिला लीजिए इसको, ऑप्शन ए ही इसमें सबसे सही आपका सटीक बैठेगा। 28वां देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण या डिफॉरेस्टेशन का प्रभाव नहीं है, इंपैक्ट पूछ रहा है, हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि, नगरीकरण और मृदा अपरदन। देखिए नगरीकरण को इसका प्रभाव नहीं है, नगरीकरण की वजह से डिफॉरेस्टेशन आपको करना पड़ता है, क्योंकि जब शहर आपका साइज में बढ़ता है तो आपको जो आसपास की भूमि है उसको लोगों के रहने के लिए वहां पर बसावट के लिए हटाना पड़ता है, तो नगरीकरण इसका कोई प्रभाव नहीं है, बल्कि नगरीकरण इसका एक कारण है, क्योंकि नगरीकरण की वजह से आपका डिफॉरेस्टेशन होता है। तो 28वां का जो सी है ये इसका कोई प्रभाव नहीं है। 29वां देखते हैं, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है, देखिए तो सभी को पता होगा जो राइस है ये भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, और अगर हम बात करें लगभग भारत के 34% भूमि पर हम चावल बोते हैं, उसके बाद आता है गेहूं जो कि हम लगभग 24% भूमि पर बोते हैं, ठीक है, तो सबसे नंबर एक पर यह है, दूसरे नंबर पर हमारी गेहूं है, और अगर बात करें मक्के की तो ये लगभग 7% भूमि पर हम इसे बोते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, चावल नंबर एक पर और गेहूं नंबर दो पर। कल मैंने चावल का आपको साइंटिफिक नेम अपने टेलीग्राम क्विज में पूछा था, उसमें गेहूं का भी नाम था, तो आप प्लीज उसको दोनों को याद कर लीजिए, ऑप्शन में मैंने गेहूं का भी डाल दिया था तो आप प्लीज उसको याद कर लीजिएगा। 30वां देखते हैं, कौन सा तत्व सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यंत उपयोगी है, तो बेसिकली जो सल्फर है, ठीक है, वो सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। कैल्शियम तनों के अग्रभागों में वृद्धि तथा पत्तियों को गिरने में सहायक होता है, तो कैल्शियम का क्या काम है, पत्तियों के गिरने में से रोकने के लिए सहायक होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बढ़ाती है, तो देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन सी फसलें बढ़ाती हैं, जो आपकी दलहनी फसलें होती हैं, ठीक है, वो जमीन में आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देती हैं, तो बेसिकली राजमा जो है ये इसमें एक दलहन फसल है, तो यही इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन को जमीन में बढ़ाएगी, ऑप्शन 31वें का ए। 32वां देखते हैं, भारत में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है, देखिए मैंने आपको कल एक फोटो शेयर किया था उसमें मैंने सारे नाम बताए थे, पेंडा या पोडू, झूम नॉर्थ ईस्ट में होती है, पेंडा या पोडू आपको कहां मिलेगी, आंध्र प्रदेश में,
ठीक है। इसके अलावा कुमारी की हमने बात की थी, कुमारी और एक क्या था कुरुआ, ठीक है, इन सबकी हमने उसमें बात की थी, वो फोटो आप एक बार देख लीजिएगा। उसमें स्थानांतरित कृषि के किन राज्यों में अलग अलग नाम है, जैसे दही आपको मिलेगा कहां पर, मध्य प्रदेश में, तो ये आप देख लीजिएगा, इसमें सारे ही जो है ये स्थानांतरित कृषि के नाम है। भारतीय कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है, भारत में विश्व का सर्वाधिक फसल क्षेत्र है, फसल के पैटर्न में धान्य फसल की प्रभाविता बिल्कुल ठीक है, जो चावल है काफी प्रभाविता है, भारतीय कृषि संक्रियाओं के लिए बहुत छोटा है या फार्म मैकेनाइजेशन के लिए बहुत छोटा है, तो इसमें क्या सही होगा हमारा, जो दो और तीन है वो इसमें बिल्कुल ठीक है, भारत में विश्व का सर्वाधिक फसल क्षेत्र नहीं है। और ये देखिए बिल्कुल दोनों बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको ऊपर बता दिया लगभग 34% क्षेत्र में आपके धान ही बोया जाता है, और जो साइज है हमारा लगभग हमारे यहाँ 80% से ज्यादा जो फार्मर है, ठीक है, वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की भूमि है, याद रखिएगा, तो इसीलिए यहां पर फार्म मैकेनाइजेशन करना बहुत टफ हो जाता है। 34वां देखते हैं, वर्षा का विस्तृत परिसर और विविधता, वेग प्रवाही स्वरूप का, पवनों का उत्क्रमण और अनिश्चित आगमन किसके अभिलक्षण है, तो ये बेसिकली मॉनसून के अभिलक्षण है। भारत आपको पता है मॉनसूनी टाइप की जलवायु के अंतर्गत आता है, और हमारे यहाँ जो कृषि है वो बहुत ज्यादा हद तक मॉनसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। 35वां देखते हैं, मेगाथर्म, मेसोथर्म, माइक्रोथर्म और हैकिस्टोथर्म, ये मैं आपको बता चुका हूं, तो ये जो बहुत कम ताप पर पौधे उगते हैं उसको हम बोलते हैं, तो हैकिस्टोथर्म देखिए डी का मुझे लगता है सबसे पहला होना चाहिए हैकिस्टोथर्म, क्योंकि ये सबसे ठंडे इलाके में उगते हैं। अगर बात करें मेगाथर्म तो उष्णकटिबंधीय जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, देखिए थर्म जो यहां पर शब्द है ना, थर्म हमेशा तापमान के लिए यूज किया जाता है, तो मेगाथर्म मतलब जो बहुत ज्यादा गर्म एरिया होता है, आप सभी को पता है अगर हम ग्लोब इस तरीके से देखें तो ये जो क्षेत्र होता है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक का जो एरिया होता है यहां पर सबसे ज्यादा सनलाइट हमें पड़ती है, तो यहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो मेगाथर्म आपका कौन सा प्रदेश होगा, उष्णकटिबंधीय प्रदेश, ए का तीसरा और डी का पहला इसी विकल्प में है, तो यही इसका सही आंसर होगा। बी का आपका कौन सा हो गया, मेसोथर्म आपका चौथा, और आपका माइक्रोथर्म भूमध्य रेखीय प्रदेश, तो मेगाथर्म मतलब जो सबसे ज्यादा गर्म होता है, हैकिस्टोथर्म मैंने आपको बता दिया था ऐसे पौधे जो बहुत कम ताप पर उगते हैं, इसमें क्या क्या आते हैं, मॉस और लाइकेन। 36वां, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों में से कहां शुद्ध वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत दर, एनुअल जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा होती है, कहां पर, 36वें की बात करें तो उष्णकटिबंधीय जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, वर्षा वन होते हैं, वहां पर इनके उत्पादन की दर सर्वाधिक होती है, क्योंकि वहां पर देखिए साल भर आपकी सनलाइट आती है और लगातार वहां पर बारिश भी होती रहती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल या जिसको हम संवहनीय वर्षा बोलते हैं, ठीक है, तो वहां पर साल भर बारिश भी होती रहती है और आपका सनलाइट भी बहुत आती है, तो वहां पर ग्रोथ रेट काफी तेज होता है, 36वें का होगा ऑप्शन डी। 37वां का देखते हैं, साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो साल की जो लकड़ी होती है ये बेसिकली मानसूनी वृक्ष है या मानसूनी जलवायु वाला वृक्ष है, और इसका जो बेसिकली उपयोग होता है वो रेलवे के स्लीपर बनाने के लिए किया जाता है, और ये हमारे हिमालय की तराई बेल्ट में, छोटा नागपुर के प्लेट्यू में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में भी ये पाई जाती है। अगला कत्था, तो एक देखिए प्रश्न और आता है कत्था, इसमें ऑप्शन है तो मैं आपको बता देता हूँ, कत्था जो है वो खैर के वृक्ष से हमें प्राप्त होता है, पान वगैरह में इसका यूज होता है, तो कत्था जो है ये खैर नामक वृक्ष से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। और माचिस की जो तिल्लियां होती है, देखिए बेसिकली इसके लिए जो मैंने आपको बताया था ना, क्या कहते हैं, जब मैंने आपको फॉरेस्ट उत्पाद पढ़ाए थे या वन उत्पाद पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको बताया था एक हार्डवुड होती है एक सॉफ्टवुड होती है, तो जो मुलायम लकड़ी के प्रकार होते हैं उससे आपकी माचिस को बनाया जाता है। और डीएसएलआई उद्योग का प्रश्न भी देखिए एक बार पूछा जा चुका है, डीएसएलआई उद्योग कहाँ का फेमस है, बरेली, ठीक है, बरेली का डीएसएलआई उद्योग काफी फेमस है। शहरों के निम्नलिखित में से किस समूह में दृढ़ पर्णी और उसके प्राकृतिक वनस्पति आच्छादन के रूप में नहीं है, तो 38वें का क्या होगा आपका, लॉस वेगास और क्वींसलैंड, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है, पीसीएस का प्रश्न है, ठीक है, एडेफिक जो होता है बेसिकली एडेफिक ये आपका मृदा से संबंधित होता है, और मृदा से संबंधित जो स्टडी होती है मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी, ठीक है, और मृदा बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं आपका, पेडोजेनेसिस, ठीक है, याद रखिएगा दोनों टर्म। एडेफिक का मतलब क्या है, जो मृदा से संबंधित हो,
मृदा की स्टडी को क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी, और मृदा का जो फॉर्मेशन है, किस प्रक्रिया से वो बनी है, उसको बोलते हैं पेडोजेनेसिस। 40वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, और हाँ एक प्रश्न देखिए इससे और बनता है, माफ कीजिएगा बताना भूल गया, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने भारतीय मृदा को टोटल कितने भागों में बांटा है, टोटल 8 भागों में बांटा है। मैंने इसका क्विज टेलीग्राम ग्रुप में डाला था, वहां पर मैंने सबके नाम दिए हुए हैं, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, महोगनी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की इमारती लकड़ी की एक प्रजाति है, बिल्कुल ठीक है। चैपरल झाड़ी वन वनस्पति टैगा जलवायु में पाई जाती है, तो ठीक है ये बिल्कुल गलत है, ये बेसिकली आपका जो भूमध्य सागरीय जलवायु है वहां पर आपको चैपरल देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है इसको याद रखिएगा, भूमध्य सागरीय जलवायु में देखने के लिए मिलते हैं, ये इसमें नहीं है। लाइकेन मैं आपको बता चुका हूँ, ये हैकिस्टोथर्म होते हैं जो कि बहुत ठंडे इलाके में पाए जाते हैं, तो टुंड्रा वैसे ही बहुत ठंडा इलाका है, ये बिल्कुल ठीक है। साल आद्र पर्णपाती वन की एक प्रतिनिधि प्रजाति है, हमने ऊपर ही देखा था, इससे रेलवे के स्लीपर आपके बनाए जाते हैं, ठीक है, जो मध्य प्रदेश छोटा नागपुर के पठार में, छत्तीसगढ़ में और हिमालय के तराई क्षेत्र में हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। बिहार का जो आंदोलन हुआ था वो इसी के कारण हुआ था, क्योंकि वहां पर साल के वृक्ष हटाकर वो सागौन के वृक्ष उगाना चाहते थे, तो बिहार आंदोलन वाला वीडियो भी, एक आंदोलन का पूरा मैंने वीडियो बनाया है, उसका पीडीएफ आप पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है, देख लीजिएगा। पारिस्थितिक तंत्र में शक्ति का प्रवाह होता है, यानी बेसिकली ऊर्जा की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा मैंने आपको बताया था एक दिशात्मक होता है या यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। मान लीजिए ये तीन आपके पोषण स्तर है, तो यहाँ पर आपका अगर 100 जूल की एनर्जी है तो अगले पर आपको केवल 10 मिलेगी और उससे ऊपर आपको केवल 1 जूल की एनर्जी मिलेगी। ये होता है 10% का नियम या 10% का नियम जो कि लिंडमान ने दिया है। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होगा वो हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशात्मक होता है, और ये 10% के नियम का पालन करता है जो कि लिंडमान द्वारा दिया गया था। तो 41वां का क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं 42वां, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, यानी फूड चेन्स पाई जाती हैं, ठीक है। देखिए मैंने कल या परसों 2 एनसीईआरटी के आपको चैप्टर शेयर किए थे हिंदी में, बहुत अच्छे वो चैप्टर हैं, प्लीज उन दोनों चैप्टर्स को आप पढ़िएगा। एक में मैंने प्रदूषण वाला चैप्टर है और दूसरा मैंने जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके बेसिक वाला चैप्टर है, उसमें डायग्राम्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, उससे आपको बहुत आराम से वो समझ में आ जाएगा। मैंने अपने नोट्स भी डाले हुए हैं, लेकिन अगर आप उसके साथ उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो प्लीज 4-5 पेज का वो है, आप प्लीज उसको पढ़ लीजिए एनसीईआरटी वाले को, बहुत आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। 42वें का क्या होगा, जो फॉरेस्ट का पारिस्थितिक तंत्र होता है वहां पर सबसे ज्यादा हमें फूड चेन्स देखने के लिए मिलती है। 43वां देखते हैं, कौन सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है, 3 से 4 बार ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जो समुद्र है वही सबसे स्थिर है, और अगर आपसे पूछे सबसे सर्वाधिक विस्तृत, तो हमें सभी को पता है पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल पाया जाता है, तो समुद्र ही सबसे ज्यादा एक तरह से विस्तृत सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र भी है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में सही है, मैंने आपको बताया था ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो हमेशा एक दिशीय होता है, तो मान लीजिए सबसे नीचे कौन होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं, हरे पौधे, ठीक है, यानी उत्पादक, तो ये आगे उत्पादक। उसके बाद आपका कौन होगा, हिरण वगैरह जो कि आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके शेर या बाघ जो कि द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। तो कौन सा सही है, आपका उत्पादक, फिर उपभोक्ता, और जब जो भी इसमें से बचता है उसको अपघटक खत्म करते हैं या डेट्रीवोर्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। 45वां देखते हैं, मानव पर्यावरण संबंध एक कैसी संकल्पना है, तो मानव पर्यावरण जो एक संबंध है वो एक धनात्मक संकल्पना है। देखिए जो मानव वन्यजीव संघर्ष है, ठीक है, अगर उसकी आप डेफिनेशन देखेंगे तो उसकी डेफिनेशन यही होती है, नेगेटिव इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब मनुष्य और जंगली जानवरों के बीच ऋणात्मक संबंध को मानव वन्यजीव संघर्ष बोला जाता है। तो मतलब हमने क्या किया, जो इसका ठीक उल्टा होगा। तो मानव पर्यावरण का जो संबंध है वो एक धनात्मक संबंध है, जब ये ऋणात्मक होने लगता है तो उन दोनों के बीच में संघर्ष होने लगता है, जिसे हम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट बोलते हैं। तो धनात्मक संबंध है ऑप्शन बी। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होता है, तो ह्यूमस के निर्माण में जो आपके अपघटक होते हैं बेसिकली डेट्रीवोर्स फूड चेन होती है, दीमक वगैरह जो आपने सुना होगा, दीमक हो गया, ठीक है, ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो 46वें का होगा ऑप्शन बी। और बेसिकली ह्यूमस होती क्या है, जो देखिए ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो कार्बनिक लेयर होती है। जब मैंने आपको मिट्टी पढ़ाई थी, मान लीजिए ये मिट्टी के अलग अलग सेक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, होरिजन, सॉइल होरिजन। तो ये जो सबसे टॉप की लेयर होती है, इसमें ह्यूमस की सबसे ज्यादा अधिकता आपको मिलेगी।
ठीक है, इसको ही बोलते हैं बेसिकली, इसके निर्माण में कौन सहायक है, तो अपघटक जो होते हैं वो इसके निर्माण में बहुत ज्यादा भूमिका निभाते हैं। इसका देखिए फायदा क्या है, मैं आपको बताऊं ह्यूमस क्यों इंपॉर्टेंट होता है। देखिए सबसे पहले तो ह्यूमस के बनने से जो मृदा की जल धारक क्षमता है यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो पोरोसिटी है यानी पानी को जड़ों तक जाने की क्षमता वो भी इसके द्वारा बढ़ जाती है, और यानी इसकी जो सीधे सीधे हम कह सकते हैं ह्यूमस का लिंक है वो मिट्टी की उर्वरता से संबंधित है, ठीक है। तो मिट्टी को उर्वर बनाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 47वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परस्पर क्रिया सह विकास में सहायक नहीं है, सहभोजिता, पारस्परिक आश्रय का सिद्धांत, परजीविता या प्रतिस्पर्धात्मक आपकी प्रतियोगिता। तो जो ऑप्शन ए है, ठीक है, सहभोजिता या कमेंसलिज्म, ये बेसिकली एक जीवों के बीच में जुड़ाव होता है। देखिए एक कॉन्सेप्ट है स्पेशीज इंटरेक्शन, ठीक है, स्पेशीज इंटरेक्शन, उसी के ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं कि क्या होता है कंपटीशन, क्या होता है कमेंसलिज्म, क्या होता है म्यूचुअलिज्म, क्या होता है आपका, आप एक तरह से हम कह सकते अमेंसलिज्म, ये सभी इसमें बात की जाती है। तो जो कमेंसलिज्म है या सहभोजिता है वो सह विकास में सहायक नहीं होता। इसमें देखिए क्या होता है, किसी एक को ना तो आपका बेसिकली लाभ होता है और दूसरे को ना तो लाभ होता है ना ही बेसिकली नुकसान होता है। तो इसमें केवल एक को लाभ होगा, जो दूसरी प्रजाति होगी उसको कोई लाभ भी नहीं होगा, कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो इस सह विकास में बेसिकली ये सहायक नहीं है। सह विकास का मतलब क्या होता है, आपको दोनों को फायदा होना चाहिए। 48वां, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है, विलुप्त के करीब जीव, जो कि IUCN द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसमें जो भी संकटापन्न प्रजातियां होती हैं उसको गुलाबी पेजों में रखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, गुलाबी पेजों में इनको रखा जाता है। और जब ये इनका प्रोटेक्शन का स्तर सुधर जाता है तब इनको हरे पेजों में शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है, हरे पेजों में तब इनको शिफ्ट कर दिया जाता है। आगे देखते हैं 49वां, पर्यावरण एवं वन्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। तो जो वृक्ष मित्र पुरस्कार है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में, और इसको बेसिकली इसका पूरा नाम जो है वो इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार है। यह पुरस्कार ऐसे व्यक्ति तथा संस्थाओं को बेसिकली दिया जाता है जो वनीकरण को या अफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली दो तीन या चार बेसिकली श्रेणियां हैं, माफ कीजिएगा, चार इसमें श्रेणियां होती हैं जिसमें इंडिविजुअल होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन होती है, और लगभग 2,50,000 रुपए का इसमें पुरस्कार दिया जाता है, 2,50,000 रुपए, ठीक है। अगला, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, हमने नीचे ही देखा था बेसिकली बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपका झारखंड में स्थित है और झारखंड के पलामू जो जिला है वहां पर यह स्थित है। यह बेसिकली झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन है। IEEP का फुल फॉर्म क्या है, IEEP का जो फुल फॉर्म है वो होता है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, तो ठीक है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम ऑप्शन बी, ठीक है। यह 1975 में बेसिकली स्टार्ट किया गया था और ये किसके द्वारा है, ये यूनेस्को तथा UNEP की एक पहल है, ठीक है, इंटरनेशनल एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। 52वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है, ठीक है, जिनकी चोंच में ही छानने की प्रणाली होती है। तो कौन से ऐसे पक्षी होते हैं जो बेसिकली फ्लेमिंगो या हंसावर होते हैं, जिनकी चोंच आपने देखी होगी काफी बड़ी रहती है, उनकी चोंच में छानने की प्रणाली होती है। आगे देखते हैं 53वां, गन्ना प्लस आलू की सह फसल प्रणाली है, तो कौन से ऋतु की ये बेसिकली प्रणाली है, तो ये हमारी शरदकालीन ऋतु की प्रणाली है। धान गेहूं मूंग फसल चक्र की फसल चक्र सघनता कितनी है, तो बेसिकली इसकी फसल चक्र सघनता 300% है। देखिए इसको कैसे निकाला जाता है, फसल चक्र की गहनता को मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं। इसमें जो फसलों की संख्या है, ठीक है, फसलों की संख्या फॉर्मूला आप देख लीजिए, ठीक है, इंटू 100, तो कितना हो गया बेसिकली आपका, और आपका बेसिकली अपॉन में फसल चक्र के वर्ष, यहां पर वर्ष, तो मान लीजिए एक साल में आपने तीन फसलें उगाई तो 3/1 × 100, तो इसकी क्या हो गई सघनता 300% हो गई। अगर यहां पर दो साल होगा तो कितनी हो जाएगी 150, ठीक है। तो आपने मान लीजिए कोई फसल एक साल, तीन फसलें आपने एक साल तक उगाई तो उसकी क्या फसल सघनता हो गई 300%, ठीक है। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। मैं मुंह से एक बार फिर से बोल देता हूं, फसलों की संख्या अपॉन कितने वर्ष तक आपने वो फसलें उगाई इंटू 100, तो 300 इसमें आंसर हो गया। एक ही खेत में एक ही समय में एक से अधिक फसलें उगाने को क्या कहते हैं, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, हमारा मिश्रित फसलों की खेती। 56वां, दो मुख्य फसलों के तैयार होने के बीच में अल्पावधि में तैयार होने वाली फसल को क्या कहते हैं, तो इस फसल को बोलते हैं बेसिकली
कैच क्रॉप यानी अल्पावधि फसल, कैच क्रॉप। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए नया प्रश्न है थोड़ा सा। अवमेघ बांध किसके लिए बनाए जाते हैं? बेसिकली अवमेघ बांध जो बनाए जाते हैं वो अवनालिका अपरदन पर नियंत्रण के लिए और जल संग्रहण, इन दोनों के लिए ही ये बनाए जाते हैं। वाटर स्टोरेज और आपका जो बेसिकली सॉइल का इरोजन होता है उसको रोकने के लिए बनाए जाते हैं। 58वां देखते हैं, भूगर्भीय क्षरण को कहा जाता है, भूगर्भीय क्षरण को क्या बोला जाता है? प्राकृतिक क्षरण या नेचुरल इरोजन इसको बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र कहां पर स्थित है? बहुत फेमस है, इसका जो क्षेत्रीय केंद्र है वो वाराणसी में स्थित है, ठीक है। इसका लोकार्पण देखिए हाल ही में हुआ है, 2018 में इसका लोकार्पण किया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं 60वां, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का क्या नाम है? राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसको आप नाबार्ड बोलते हो। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई है शिव रमण कमेटी की रिकमेंडेशन या संस्तुतियों के आधार पर। कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है 61वां, तो कृषि उत्पादों की जो मांग है वो कैसी है आपकी? बेसिकली स्थायकत्वहीन है, ठीक है, स्थायकत्वहीन। 62वां, पीएम कुसुम योजना का लक्ष्य उद्देश्य क्या है? बेसिकली फुल फॉर्म क्या है इसकी? कुसुम की कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, बेसिकली सोलर पंप वगैरह लगाने के लिए ये स्कीम सरकार के द्वारा लाई गई थी, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं ऑप्शन में 62 का ऑप्शन डी, किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, ठीक है, तो सोलर पंप वगैरह से संबंधित है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। आगे देखते हैं 63वां, भारतीय वन अधिनियम को कौन से वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में अधिनियमित किया गया है। 64वां देखते हैं, भूमंडलीय तापन या विचार विमर्श के विश्व पर्यावरण सम्मेलन का सन 1997 में कहां पर आयोजन किया गया है? बहुत फेमस है, देखिए यहीं पर क्योटो प्रोटोकॉल आपका साइन हुआ है, तो ये जापान में इसकी मीटिंग हुई थी, ठीक है। और 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब से हुआ है? 2005 से। भारत में कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं? जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, बिल्कुल ठीक है। तेज चालित स्वचालितों की संख्या में या संख्या विस्फोटन, सौर धधक में वृद्धि, अत्यधिक वनोन्मूलन, ठीक है। सौर धधक में देखिए बेसिकली वृद्धि, इसका तो कोई सीधे जलवायु परिवर्तन से लिंक नहीं है, मोस्टली जो होता है वो एंथ्रोपोजेनिक कारणों से होता है, तो तीसरा तो देखिए इसमें नहीं होगा, तीसरा हटा दीजिए, ये वाला और ये वाला तो इसमें नहीं होगा। तो बात करते हैं अगर 65 में की, तो 65 में का जो सही उत्तर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन बी 1, 2 और 4, ठीक है। तो जो सोलर सनस्पॉट्स वगैरह है उसका इसमें कोई संबंध नहीं है। ये भी देखिए मैंने कल ही डाला है, विश्व पर्यावरण सुविधा, इसको बोला जाता है GEF, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। ये बेसिकली 1991 में स्थापित किया गया था और 1992 में इसको नया रूप दे दिया गया था जब रियो अर्थ सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो 1991 में इसकी स्थापना की गई है, इसको प्लीज आप याद रखिएगा। और ये वर्ल्ड बैंक के साथ शुरू किया गया था, विश्व बैंक के साथ 1991 में, ठीक है। और ये लगभग 8 चिन्हित क्षेत्रों में काम करता है, जो मैंने फोटो कल शेयर किया था, आप प्लीज उसको पढ़ लीजिएगा, उस 8 क्षेत्रों के नाम आपको समझ में आ जाएंगे। 67वां देखते हैं, ग्रीन पीस या हरित शांति क्या है? एक कृषि संबंधी संस्था, अंतरराष्ट्रीय शांति संस्था, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन, तो इसका क्या होगा? सी, ग्रीन पीस एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गैर सरकारी आपका या संगठन है, इंटरनेशनल एनजीओ है। इसकी स्थापना बेसिकली 1971 में की गई है, ठीक है, 1971 में किसके द्वारा? इरविग और डोरोथी स्टोव के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो एम्स्टरडैम में है, ठीक है, एम्स्टरडैम नीदरलैंड्स में। 68वां देखते हैं, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है, ये बिल्कुल गलत है, पोका एक्ट आया था, ठीक है, यानी प्रिवेंशन ऑन क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, उसके तहत इसकी स्थापना की गई है 1962 में। तो पहला तो आपका गलत हो गया, ठीक है, सही पूछा है, ये हटा दीजिए, ये वाला हटा दीजिए, बाकी दो देखते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसकी स्थापना की गई है, तो ये बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, इसको बोला जाता है NGRBA यानी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी
2009 में इसकी स्थापना की गई है और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो केवल 2 और 3 ये इसका सही होगा, ठीक है। पशु कल्याण बोर्ड याद रखिएगा, इससे AWBI बोलते हैं, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स के द्वारा 1960 के तहत की गई है, ठीक है। तो इसमें एक पहला गलत है, बाकी 2 सही है। राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है, तो 1952 की जो हमारी राष्ट्रीय वन नीति आई थी उसमें 33% भाग पर हमारा वन रखने की बात की गई है। 70वां देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन या टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पेशीज है, यानी कौन सी आपको इस चारों में से जो सागौन है वहां पर डोमिनेंट है या सागौन की प्रजातियां बहुत ज्यादा मात्रा में हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो इसमें से जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, यानी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा हमें सागौन की डोमिनेंस देखने के लिए मिलती है। 71वां देखते हैं, कच्छ वनस्पति अचरा या रत्नागिरी, कुंदापुर, पिच्छवरम, वेम्बनाड, ठीक है। वेम्बनाड लेक पता है सबको, केरल में स्थित है, इसका केरल होगा। पिच्छवरम फॉरेस्ट हमारे ये तमिलनाडु में स्थित है, बहुत फेमस है, देखिए पिच्छवरम मैंग्रोव, ठीक है। अचरा या रत्नागिरी, रत्नागिरी आपको पता है कहां पर स्थित है, ये बेसिकली हमारे महाराष्ट्र में स्थित है। रत्नागिरी आम वगैरह के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है रत्नागिरी, ठीक है। अब बात करते हैं कुंडापुर की, कुंडापुर ठीक है थोड़ा सा नया है, कुंडापुर हमारा कर्नाटक में स्थित है, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी, ठीक है। 4152। सबसे ज्यादा अगर बात करें मैंग्रोव्स की, कहां पर पाया जाता है, लगभग 42% क्षेत्र हमारा वेस्ट बंगाल के सुंदरवन में मिलेगा। दूसरी रैंक किसकी है, गुजरात की, ठीक है। 72वां, भारत में सॉरी निम्नलिखित में कहां सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो वेस्टर्न घाट में सदाबहार वन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, ऑप्शन सी, 72वें का सी। 73वां देखते हैं, निम्नलिखित में से, और इसके अलावा देखिए भारत में और कहां पर आपको मिलेंगे, एक तो अंडमान एंड निकोबार में देखने के लिए मिलते हैं सदाबहार वन, और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको देखने के लिए मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी वनस्पति जाति 1800 से 2600 मीटर की ऊंचाइयों के बीच पाई जाती है, तो अगर बात करें देवदार, तो ये आपको 1800 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर देखने के लिए मिलेगा। फसलों के आधार पर बेमेल बताइए, धान, ज्वार, मक्का, गेहूं, ठीक है। तो इसमें कौन सी सबसे अलग है, जो गेहूं है ये बेसिकली अलग है, क्योंकि गेहूं जो है ये बेसिकली आपकी रबी की फसल है, बाकी ये तीनों है ये खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। गेहूं जो आपकी है रबी की फसल है। कुल शस्य क्षेत्रफल से वास्तविक बुआई क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली क्रॉपिंग इंटेंसिटी या शस्य सघनता, क्रॉपिंग इंटेंसिटी CI इसको बोला जाता है, याद रखिएगा क्रॉपिंग इंटेंसिटी। 76वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, तो देखिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जैविक खेती, जिस पर सरकार का बहुत ज्यादा जोर है, आपने सुना होगा ZBNF यानी जीरो बजट फॉर नेचुरल फार्मिंग, इस पर भी सरकार ने बहुत ज्यादा बात की है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, 76वां, ठीक है। 77 देखते हैं, फसल चक्र आवश्यक है क्यों, बेसिकली जो मृदा की उर्वरा शक्ति है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल ठीक होगा। 78वां देखते हैं, ये देखिए बहुत अच्छा फैक्चुअल प्रश्न है, देखिए पी सेन गुप्ता और जी सदाशिव 1968 ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था, इन्होंने भारत को लगभग लगभग आपके 60, ठीक है, लघु कृषि प्रदेशों में बांटा है, ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं 79, निम्नलिखित जलवायु में से कौन सी विश्व के 6 महाद्वीपों में पाई जाती है, तो जितने भी भारत पूरी दुनिया में 6 कॉन्टिनेंट है उसमें कौन सी जलवायु आपको हर महाद्वीप में देखने के लिए मिलेगी, तो जो भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु है ये बेसिकली आपको हर जगह देखने के लिए मिलती है। ये 30 से 45 डिग्री का जो हमारा एंगल होता है, अक्षांश होते हैं, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट पर हमें या पश्चिमी कोस्ट पर हमें ये देखने के लिए मिलती है भूमध्य सागरीय जलवायु। निम्नलिखित में से कौन जलवायु प्रकार वायु दाब पेटियों के मौसमी खिसकाव से उत्पन्न होती है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, ठीक है। तो शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट की वजह से कौन सी आपको देखने के लिए मिलेगी, तो जो भूमध्य सागरीय है, यही सेम ऊपर वाली भूमध्य सागरीय जो जलवायु होती है वो शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट की वजह से हमें देखने के लिए मिलती है। 81वां, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का सर्वाधिक विस्तार है, तो जो एशिया महाद्वीप है वहां पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का सर्वाधिक विस्तार है। 82वां, निम्नलिखित में से किस देश में टुंड्रा वनस्पति नहीं है, जो कि बहुत ठंडे इलाकों में पाई जाती है, तो अगर हम बात करें कहां पर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी, तो
तो बेलारूस बेसिकली जो देखिए, बेलारूस जो है वो पूरा सा पूरा का पूरा जो आपको मिलेगा ये टेम्परेट जोन में देखने के लिए मिलेगा बेलारूस। तो यहाँ पर आपको टुंड्रा वनस्पति देखने के लिए नहीं मिलती 82 का ए। और टुंड्रा वनस्पति मैं आपको बता चुका हूँ कौन सी होती है, मॉस होती है, ठीक है याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार मैं आपको बताता हूँ, मॉस लाइकन ये दो बहुत फेमस है। 83वां, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारियता की समस्या का दीर्घकालीन हल है, जिप्सम और पायराइट का प्रयोग, ठीक है जिप्सम प्लस पायराइट, ठीक है जिप्सम और पायराइट इन दोनों को मिला लीजिए आप मिट्टी में, तो कहीं ना कहीं जो लवणता और क्षारियता की समस्या है उसको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 84वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा रचक कारक नहीं है, 84वां बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा नहीं है इसमें, जो मानव का वास स्थान है वो मृदा का रचना का या सॉइल के फॉर्मेशन का कोई कारक नहीं है। मैंने आपको बताया था 4 से 5 इसके कारक थे, टोपोग्राफी होती है, टाइम होता है, क्लाइमेट वहां का कैसा है, ठीक है टोपोग्राफी ये रहा देखिए, समय, ये सब मिट्टी के आपके फॉर्मेशन में फैक्टर होते हैं, लेकिन मानव स्थल या मानव वास स्थान वहां पर इसमें कोई फैक्टर नहीं होता। 85वां देखते हैं, पलवारना मृदा संरक्षण की एक कृषि संबंधी युक्ति है, यह अत्यधिक प्रभावकारी इसलिए है क्योंकि यह अवनालिका अपरदन से मिट्टी की सुरक्षा करती है। देखिए ये गलत है बिल्कुल, ये नहीं सही नहीं है, तो एक तो इसमें नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 और 3 इसमें केवल बचते हैं। ये बेसिकली मृदा संरक्षण या कृषि संबंधी युक्ति तो है लेकिन ये अवनालिका अपरदन बेसिकली इससे संबंधित नहीं है, ठीक है ये वृष्टि धोवन और बेसिकली वाती अपरदन से या जो एयर आपका इरोजन होता है उससे तो हेल्प करती है बट अवनालिका अपरदन में ये सहायक नहीं है, तो ऑप्शन 2 और 3 इसका सही होगा सी। 86वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है मैंने आपको बताया था कभी भी उल्टा नहीं होता, ये हमेशा सीधा होता है क्योंकि ऊर्जा का जो प्रभाव होता है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में वो केवल एक दिशीय या सिंगल डायरेक्शनल होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा 86वां का। 87वां देखते हैं, पर्यावरण से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, पर्यावरण भौतिक तत्वों का समूह है, पर्यावरण हमेशा स्थिर रहता है, पर्यावरण में क्षेत्रीय विविधता होती है, पर्यावरण नियंत्रण एवं स्वपोषण पर आधारित है, तो 87वें का क्या होगा, स्थिर रहता है, देखिए कोई स्थिर नहीं रहता, ये बेसिकली डायनामिक एक प्रोसेस है, ठीक है तो ये स्थिर नहीं रहता, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल गलत होगा। 88वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वनोन्मूलन के परिणाम है, या जो वृक्षों का कटाव हो रहा है, वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि, भौम जल के स्तर में ग्राउंड वाटर लेवल में देखिए वृद्धि तो नहीं होती, ग्राउंड वाटर लेवल तो इससे नीचे गिरता है, ठीक है तो ये गलत हो गया, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि, ए बी और डी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ता नहीं है बल्कि नीचे जा रहा है। 89 देखते हैं, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है, ये भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुका हूं, तो बायो जियो केमिकल साइकिल, बायो जियो केमिकल या जैव भू रासायनिक चक्र इसको बोला जाता है। 90वां देखते हैं, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है, 10% लॉ किसने दिया था, लिंडमान ने, कब दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, 1942 में। 91वां, प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो प्राकृतिक स्थलीय अगर बात करें झील नहीं है, स्थलीय की बात कर रहा है टेरेस्ट्रियल, तो केवल ग्रासलैंड, घास स्थल इसका आंसर होगा 91 का सी ठीक है, बाकी जो है वो एक्वेटिक है या जलीय। 92वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग को समाप्त करना है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली इससे संबंधित है, 1987 में साइन किया गया था ठीक है, इसका उद्देश्य बेसिकली 2030 तक जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है HFC इसका एक तरह से इसको खत्म करना है, और यह 1 जनवरी 1989 से ये फोर्स में है यानी लागू किया गया है। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान में सहायता और परिनियोजन द्वारा समावेशी कार्बन वृद्धि में तेजी से कमी करने के लिए को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2009 में किसको शुरू किया था, पेस ठीक है, पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी, इसको भारत और अमेरिका द्वारा 2009 में शुरू किया गया है, किस कारण से, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान में सहायता करने के लिए ठीक है, 2009 में अमेरिका और भारत का ये इनिशिएटिव है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं 94वां, इसमें से कौन सा जीव मंडल आधार संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के मानव एवं जीव मंडल कार्यक्रम पर
आधारित विश्व जीव मंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है, टोटल 12 है, मैं आपको बता चुका हूं। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो कच्छ का जो जीव मंडल आगार है ये इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। बाकी सारे इसके हिस्से हैं, टोटल 12 है, भारत में टोटल 18 है, लेकिन यूनेस्को के नेटवर्क में कितने हैं, 12। विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है, तो कौन सा ऐसा देश है, भारत, जो बेसिकली एक ऐसा देश है जो उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करने की कोशिश करता है। वन दरोगा के गश्ती दल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, 96वां। तो वन दरोगा जो होता है बेसिकली ये तो आपका हेड होता है किसी भी बीटिंग जो और या पेट्रोलिंग पार्टी का, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, 4 वन रक्षक आपको मिलेंगे और 2 दैनिक श्रमिक आपको मिलते हैं। 97वां, मरुस्थल का सामान्य लक्षण क्या है, तो मरुस्थल का सामान्य लक्षण है बेसिकली सैंड ड्यून्स या रेत के टीले, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। 18वां, प्रकृति के लिए विश्व वन्य जीव कोष का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो वन्य जीवों की रक्षा करना है, ठीक है। इसको वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के नाम से जाना जाता है, मैं आपको बता चुका हूं 1961 में इसकी स्थापना हुई है और ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और इसका जो मैस्कॉट है शुभांगर कौन है, जायंट पांडा या विशालकाय पांडा। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित में के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है, मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा जो वाटर फॉर्मेशन होता है वो एमिनो एसिड से बनता है, तो ये दोनों तो इसमें नहीं होंगे, यही दोनों होते हैं सबसे लास्ट में, आपकी वाटर की फॉर्मेशन एमिनो एसिड के द्वारा होती है। तो इसमें देख लेते हैं, तो मेथेन सबसे पहले आती है, फिर हाइड्रोजन साइनाइड, फिर नाइट्राइल और एमिनो एसिड, तो इसमें ए बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है, तो देखिए ये बात मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ये कोई बंद तंत्र नहीं होता, ये एक ओपन सिस्टम होता है जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान और जैव भार का आदान प्रदान लगातार चलता रहता है, इसलिए ऑप्शन सी इसमें सही होगा, क्योंकि ये बंद तंत्र नहीं होता, ये एक ओपन सिस्टम होता है, ठीक है। तो यही देखिए हमारे 100 प्रश्न थे, इस वाले सेट में काफी अच्छे प्रश्न है, ये मुझे खुद पर्सनली फील हुआ, तो प्लीज इस सेट को आप अच्छे से पढ़िएगा, और इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हमें समय मिलेगा तो हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तब तक अपनी तैयारी आप जारी रखिए, और मेरी तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपने परिवार के साथ और अपने दोस्तों के साथ इस फेस्टिवल को बहुत अच्छे से मनाइए। हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से विश यू अ वेरी हैप्पी होली, थैंक यू सो मच।